हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपको बताएंगे मोटर के बारे में, हैंड पंप से टुल्लू पंप कैसे जोड़े। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जितेंद्र गुप्ता प्लम्बर को। तो दोस्तों, आज आपको बताएँगे हैंड पंप से टुल्लू पंप कैसे जोड़े। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है और ये टुल्लू पंप है यहाँ पर। तो ये आपका ऑनलाइन मंगाया गया है, 1 KV का है और ये आपका हैंड पंप हो गया। तो इससे और मोटर का कनेक्शन आज कैसे कीजिएगा और इसमें क्या क्या सामान आपको लगेगा, ये सारा जानकारी आज आपको देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल सामान रखा हुआ है, तो कैसे आज इसको फिट कीजिएगा इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और आप देख रहे हैं कि 7 फीट हाइट पर हमारा मोटर आज कसाएगा। जैसे कि आपका मकान का ये नींव जो होता है, हाइट है 7 फीट, तो वहाँ पर मोटर को फिट करेंगे। तो चलिए पहले इसमें सामान देखते हैं क्या क्या लगेगा। ये आपका 1.5 का GI रेगुलेटर T है, जैसे कि दो साइड हो गया आपका 1.5 इंची और बीच में हो गया आपका 1 इंची, और एक 1.5 इंच का 4 इंच में नेपुल हो गया जिस पे हेड पंप इस पे कसाएगा और बीच से कनेक्शन हमारा निकल जाएगा। ये आपका हो गया 6 इंची का नेपल 1 इंच साइज में है। ये आपका 1 इंच चेक वेल हो गया, यानी NRV जिसे कहते हैं कि नॉन रिटर्निंग वाल्व, जो पानी आपका रिटर्न नहीं आता है। जब भी आप मोटर ऑन करेंगे आपका मोटर पानी देने लगेगा, मोटर को जैसे बंद करेंगे आपका ये वाल्व वहाँ बंद हो जाता है, पानी आपका भगेगा नहीं, हैंड पंप आपका सूखेगा नहीं। और ये आपका हो गया नागराज 1 पौना का है, जो इसमें गार्डन पाइप लगा के आप पानी पटा सकते हैं। उसमें आप 2 MTA लगेगा 1 इंच का, 1 यूनियन लगेगा यहाँ पे, कभी आपका चेक वेल ख़राब होता है तो बदलने के लिए, और 2 एल्बो लग रहा है हमारा ऊपर मोटर कसने के लिए, और धागा और टेपलॉन टेप लगेगा। तो दोस्तों, पहले हम हैंड पंप को खोलेंगे। अभी 2 रोज पहले आपका हैंड पंप कसा हुआ था, अभी नवा बोरिंग हुआ है तो हाथ से ही आपका खुल जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने हैंड पंप को खोल रहे हैं। हैंड पंप हमारा खुल गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस पर जो धागा लगा हुआ है पहले से और बाउंड सेट जो लगा हुआ है, इसको हटाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने छेनी के सहारे से इसको हटा रहे हैं, उसका थ्रेड हम साफ़ करेंगे। अब इस पर आपको क्या करना है कि धागा लगाना है। टेपलॉन टेप भी आप लगा सकते हैं, धागा भी आप लगा सकते हैं, एक कच्चा धागा होता है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नए पुराने लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे और आप वीडियो कोई मिक्स ना कर पाएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं AMC प्लम्बर है, जो इसे सफ़ेदा भी कहीं कहीं कहा जाता है। इसको लगाने से आपका धागा बैठ जाएगा और लीकेज होने का चांस नहीं रहता है। और उस पर उसके बाद से हम 1.5 का T कसेंगे, जैसे कि दो साइड 1.5 इंची होता है और बीच में 1 इंची का साइज होता है, जहाँ से हमारा मोटर का कनेक्शन यहाँ से निकल जाता है। तो चलिए पहले हम इसको टाइट अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो हमने रिंच से टाइट कर लिए। अब इसमें जो हैंड पंप कसेंगे, ये आपका 1.5-4 का हम नेपल लगा रखे हैं, इस पर हमारा हैंड पंप कसाएगा। आप अपने हिसाब से, हाइट के हिसाब से आप कह सकते हैं 2 इंची, 3 इंची या 6 इंची आप कह सकते हैं। तो जैसे कि हमने देख लिया कि आपने देख रहे हैं दोस्तों कि धागा दोनों तरफ बराबर लगाना है, ताकि आपका लीकेज ना हो। उसके बाद सफ़ेदा उस पर से लगा लेना है। और उसके बाद 1.6 का GI नेपल हम लगा रहे हैं। GI नेपल इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे मजबूती ज़्यादा रहता है। इसमें हम चेक वेल्व कसेंगे,
ताकि MTA अगर वहाँ पे लगाते हैं कि तो एक MTA और इधर आपको लगाना पड़ेगा, और एक और नेपल लगा देते हैं तो आपका एक MTA आपका बच जाता है, तो और मजबूती ये ज़्यादा होता है, ताकि यहाँ पे डायरेक्ट चेक वाल्व कसेंगे और चेक वाल्व के बाद हम MTA लगाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमारा शारदा कंपनी का चेक वाल्व है, बहुत बढ़िया चेक वाल्व होता है, जल्दी ख़राब आपका नहीं होता है, तो चेक वाल्व लगा रहे हैं। इसका काम है कि आपका पानी रिटर्न नहीं होता है, जैसे मोटर ऑन कीजिएगा पानी आ जाएगा। और देखिए जो एरो का निशान देख रहे हैं, ये मोटर की तरफ रखना है, इस पर आपको ध्यान देना है कि कभी भी आप कहीं भी फिट करें तो ये मोटर जिस तरफ रहेगा उसी तरफ आपको एरो का निशान रखना है, को अच्छी तरह रिंच से टाइट कर देना है, ताकि आपको पानी चालू करने में आपको परेशानी ना हो, लीकेज नहीं रह पाए। चलिए हमने इसको ओवर टाइट कर दिए हैं, तो ये अब क्या करना है कि आपको हैंड पंप पहले कसना है। जैसे कि आप यहाँ पे हैंड पंप आप पहले कस लेते हैं, उसके बाद आपका यहाँ का काम क्लियर हो जाता है, उसके बाद यहाँ से आप मोटर का लाइन का काम आपको करना है। चलिए हमारा हैंड पंप टाइट हो चुका है, अब यहाँ पे एक MTA लगाएंगे, टेपलॉन टेप आपको बराबर इस्तेमाल करना है, और इसमें थोड़ा सा आप सॉल्वेंट भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो हमने थोड़ा सा इसमें सॉल्वेंट लगा लिया और इसको रिंच से टाइट कर देंगे। चलिए टाइट हो गया, अब चलिए इसमें आपको क्या करना है, अब आपको एक पाँच इंच का आपको एक पाइप का टुकड़ा इसमें फिट करना है, और उस टुकड़े में आपको यूनियन लगाना है। चलिए पहले हम 5 इंच का टुकड़ा काट लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्वेंट पहले लगाना है, चलिए इसमें हम यूनियन लगा देते हैं। यूनियन लगाने से ये फ़ायदा आपका होता है कि कभी भी आपका चेक वाल्व अगर ख़राब होता है, जैसे आपका ये चेक वाल्व हो गया, ये अगर ख़राब होता है तो आप यहाँ से खोलकर आप बदल सकते हैं, तो यहाँ पे यूनियन एक हेड पंप के पास में लगाना आपको ज़रूरी होता है, जैसे जहाँ से आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूनियन फिट कर दिए हैं, अब चलिए फिट हो गया, अब डायरेक्ट पाइप कसते हैं और मोटर फिट करते हैं। चलिए दोस्तों देख रहे हैं यही मोटर है, ये आपका टुलू पंप है, आपको पहले वीडियो में बताया भी थे कि ये आपका ऑनलाइन मंगाया गया है आपका ये। तो चलिए इसमें क्या करना है, यहाँ भी आपका एक चेक वाल्व लगा हुआ है, और यहाँ भी इसका जो कवर है पैक करके आता है, इसको आपको हटाना है पहले, इसे देख रहे हैं। चलिए तो इसमें ऊपर से नागराज कसेंगे, अभी सिर्फ काम के वास्ते ही मोटर को फिट किया जा रहा है। तो आपका नागराज ये कस रहे हैं, आप जिधर रख सकते हैं, और इसमें एक MTA लगेगा, और टेपलॉन टेप अच्छी तरह से लगाना है, कम से कम 30 से 35 बार इसमें टेपलॉन टेप आपका लपेटना है, उसके बाद इसमें मोटर में MTA एक लग जाएगा। चलिए अच्छी तरह से इसको भी आपको टाइट कर देना है रिंच से। एक और यूनियन हम लगा रहे हैं मोटर के पास में, जैसे कि आपका मोटर का भी मोटर आपको खोल के हटाना पड़ेगा, तो आप यहाँ से यूनियन के पास से आप मोटर हटा सकते हैं, यहाँ से आप मोटर खोल के अलग रख सकते हैं, हटा सकते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं मोटर हमने फिट कर दिए हैं, ऑलरेडी मोटर हमारा फिट हो चुका है,
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा हैंड पंप है, नीचे में है, 7 फीट नीचे है हैंड पंप हमारा, तो वहाँ से हमने मोटर का कनेक्शन यहाँ पे ले लिए हैं। तो चलिए मोटर को चालू करते हैं। चलिए हमारा हैंड पंप चालू हो गया, अब मोटर में पानी डालेंगे और मोटर को ऑन करेंगे। ये देख रहे हैं मोटर में पानी डाला जा रहा है, पानी डालने के बाद ही आपको चालू करना है। बस देखिए मोटर हमारा चालू हो चुका है। थोड़ा सा हैंड पंप को चला दिया जाएगा फर्स्ट में, तो आपका जल्दी एयर छूट जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मोटर में पानी डाला जा रहा है और मोटर को कॉल हैंड पंप को चलाया जा रहा है ताकि एयर आपका जल्दी छोड़ दे। तो दोस्तों देख रहे हैं पानी मोटर उठा लिया हमारा टुलू पंप, देखिए कितना प्रेशर में पानी आपका दे रहा है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल में आप नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आज कुछ टेक्निकल कारण से आवाज़ हमको वॉइस आवाज़ भी डालना पड़ा है, जैसे कि दोस्तों कुछ टेक्निकल हो गया था, आवाज़ वहाँ पे सही नहीं हो पा रहा था। तो मोटर को फिर हम चालू करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोटर को हमने बंद किया है, फिर स्टार्ट करके चेक कर रहे हैं कि मोटर हमारा पानी उठा रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं मोटर हमारा पानी उठा लिया। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप ही लोगों के लिए हम इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।